हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञानोफाई। मेरा नाम है भोलानाथ महतो एंड मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंग्लिश स्पोकन क्लासेस। ठीक है, तो सुन के कैसा लगा? इंग्लिश सीखने को मिलेगा, जरूर मिलेगा। अगर आप गांव देहात से बिलोंग करते हैं, हिंदी मीडियम स्कूल से हैं या तो इंग्लिश मीडियम के भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सीखने के लिए कोई भी सीख सकता है। अब थोड़ा सा भी अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है, आपने अगर 1-2 क्लास पढ़ रखा है, इंग्लिश में कोई भी चीज आता है, ABCD सीख रखा है, तो आपको इंग्लिश हम सिखाएंगे। अब बोलोगे सर ABCD भी नहीं आता है तो कैसे? तो ABCD तो कम से कम तो सीख के आना पड़ेगा, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा चीजें जो आना पड़ेगा आपको सीखना पड़ेगा। और मैंने ये जो कोर्स इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि मैंने अपने जो लाइफ का जो जर्नी है जिसमें मैंने फील किया कि इंग्लिश का बहुत रिक्वायरमेंट है, बहुत जरूरी है। एंड दिक्कत वहां पे आता है जब आप हिंदी मीडियम स्कूल से जब आप इंग्लिश मीडियम स्कूल पे जाते हो, मतलब जब 10th पास करने के बाद जब आप साइंस लेते हो, कॉमर्स लेते हो, तो क्या होता है कि बहुत दिक्कत आने लगता है। क्यों आने लगता है? क्योंकि इंग्लिश का उतना नॉलेज होता नहीं है एंड सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में होते हैं। तो एक्चुअली मैंने इस चीज को फील किया था एंड हम इस चीज में सुधार किए और आज हम बहुत अच्छा इंग्लिश बोल पाते हैं, लिख पाते हैं एंड अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो एक चीज है कि इंग्लिश आना बहुत जरूरी है एंड उससे भी आसान है कि उससे भी जरूरी चीज है कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं, क्या आपको सीखने का मन है या कोई जबरदस्ती सिखा रहा है या मतलब क्या है कि या तो आपको डर लगता है कि इंग्लिश से कि इंग्लिश हम नहीं सीख पाएंगे। अगर आपको डर लगता है कि इंग्लिश आप नहीं सीख पाओगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हम आज मेरा Day 1 है, 60 डेज में हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको इंग्लिश सिखा देंगे एंड आप मेरे साथ इंग्लिश बोल पाओगी। कुछ भी सेंटेंस हम आपको देंगे, आप तुरंत आप उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाओगे। जब आपका ये जो क्या बोलते हैं फ्लुएंटली आप इंग्लिश जब बोलने लग जाओगे तब मैं समझूंगा कि जो मेरा ये सीरीज बनाने का जो मकसद था वो पूरा हुआ। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि पर डे आपके पास एक लेसन आएगा। ठीक है, कहीं पे रुकने वाला नहीं है, डेली एक लेसन आएगा और आपको क्या करना है, सिर्फ करना है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बिना कोई भी चीज नहीं हो सकता। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप एक घर में चल जाइए ऐसे जहां पे कोई नहीं है, मतलब आप एक रूम में बंद हो जाइए। बंद होने के बाद क्या करना है, जैसे मैं आपको बोलूंगा वैसे आपको बोलना है। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, एक्स्ट्रा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है और ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको मेरे साथ रिवीजन करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो मैं सिखा नहीं पाऊंगा। ठीक है, मैं जो बोलूंगा वो आपको करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो इंग्लिश सिखाना बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक है, आज का मेरा जो एक्सप्रेशन है, देखो मैंने क्या लिख रखा है, देयर प्लस इज प्लस ए प्लस क्या प्लस इन प्लस का। मैंने क्या किया, ये हिंदी और इंग्लिश का मिक्सअप बना दिया। ठीक है, बोलोगे यार सर ये क्या पढ़ा रहे हो, हिंदी इंग्लिश को मिला के पढ़ा रहे हो, क्या है? तो स्टार्टिंग में देखो क्या है कि आपको जानना नहीं है कि ग्रामर क्या है। ठीक है, थोड़ा बहुत आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है कोई बात नहीं है, हम आपको इंग्लिश का ग्रामर पूरा सिखाएंगे। जो आप सेंटेंस लिखा हुआ है वो ग्रामेटिकली सही है, बट क्या है कि ये हिंदी और इंग्लिश का मिक्सअप है, वो लग रहा होगा कि ये थोड़ा खराब है। ठीक, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं क्या है एक्चुअली एक्सप्रेशन। तो एक्चुअली क्या है कि देयर इज क्या इन कहां, तो जब हम ये चीज बोल रहे हैं कि क्या एंड कहां, तो आपको जो हिंदी वाले वर्ड्स लिखे हुए हैं वहां पे आपको इंग्लिश डालने हैं। ठीक है, जैसे क्या करना है कि मैं हिंदी सेंटेंस बोलता हूँ, ठीक है, मैं बहुत डिफिकल्ट हिंदी का सेंटेंस बोलता हूँ, उसको आपको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे गाँव में एक मंदिर है, आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, बहुत डिफिकल्ट लगेगा, सर क्या बोल दिए, मेरे गाँव में माई विलेज टेम्पल इन। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ क्या है, एक्चुअली बहुत आसान है, अगर इस एक्सप्रेशन से जाओगे तो बहुत आसान है। मतलब आप जितना ही मैक्सिमम सेंटेंस आप जानते हो कि क्या है कहाँ है वाला सेंटेंस सारे का सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको साथ मेरे साथ जुड़े रहना है, आपको सीखना है इंग्लिश। ठीक है, कहीं नहीं जाना है और आपको साथ बोलना है, मेरे साथ में आपको मेरे साथ में रिपीट करना है एंड बोलना है। ठीक है, तो देयर इज क्या इन कहाँ, तो मैंने एग्जाम्पल क्या लिया था कि मेरे गाँव में एक मंदिर है, क्या है टेम्पल। आप जो भी वर्ड्स है उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है, जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जैसे कि क्या है, क्या है टेम्पल है, कहाँ है, इन माय विलेज। तो हम लोग कैसे बोलेंगे,
देयर इज अ टेम्पल इन माई विलेज, मेरे घर में एक कुत्ता है. देयर इज अ डॉग इन माई होम. ठीक है, बहुत आसान है. मेरे गांव में एक सड़क है. देयर इज ए रोड इन माई विलेज. आगरा में ताजमहल है. देयर इज ए ताजमहल इन आगरा. अरे जिसका इंग्लिश नहीं पता है कोई बात नहीं, आप हिंदी वर्ड ही डाल दो, बट आप बोलो. ठीक है, कोई बात नहीं, गलत ही गलत, गलत ही सही गलत ही बोलो, हिंदी सही हिंदी ही बोलो, मिला के बोलो, बट आप बोलना तो सीखो कम से कम. जब तक नहीं बोलोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला. ठीक है, तो आपको क्या करना है, मेरे साथ बोलना है, जोर जोर से बोलना है. चलो, देयर इज ए क्या इन कहा, मेरे गांव में एक तालाब है. क्या है, तालाब है. अगर मुझे तालाब का इंग्लिश नहीं पता तो हम तालाब ही लगा देंगे, कोई बात नहीं. देयर इज ए पॉन्ड इन माय विलेज. ठीक है, रांची में कारखाना है, तो क्या बोलेंगे, देयर इज ए हमको कारखाना का इंग्लिश नहीं पता. ठीक है, देयर इज ए कारखाना इन रांची. जो वर्ड का नहीं पता उसको क्या करना है, वैसे ही बोल देना है, बट उसके बाद क्या करना है, आपको गूगल में जाना है और सर्च करना है कि कारखाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं. ठीक है, हर वर्ड जो हर आदमी को सब कुछ नहीं पता होता है. ठीक, तो ऐसा सोचना है कि आपको नहीं पता है तो आपका वर्ड पावर कैसे बढ़ेगा, आप उसके बारे में कैसे जानोगे. तो क्या करना है, गूगल में जाना है और सर्च करना है कि कारखाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में. जैसे हम लोग कारखाने को बोलते हैं फैक्ट्री. ठीक है, मैं बताता हूँ. तो ऐसी बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे जिसका आपको मतलब नहीं पता होगा, मीनिंग नहीं पता होगा, लेकिन आपको करना क्या है कि आपको धीरे 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 आपको वर्ड पावर से उसको बढ़ाना है. कैसे बढ़ाओगे, सर्च करके. हम ये वीडियो का जो लेक्चर है उसे ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहते हैं, बट फटाफट आपको 5-10 एक्सरसाइज करवाएंगे. आपको मेरे साथ बोलना है, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ. ओके, चलो सबसे पहले मैं बोलकर दिखाता हूँ. बोलोगे सर तो खाली ऐसे ही बता दे रहे हैं, कुछ बता ही नहीं रहे, पढ़ ही नहीं रहे, कुछ तो कर ही नहीं रहे. चलो मैं बताता हूँ. मेरे घर में एक कैमरा है. देयर इज ए कैमरा इन माय होम. मेरे घर में एक टेलीविजन है. देयर इज ए टेलीविजन इन माय होम. ठीक है, मेरे बैग में एक किताब है. देयर इज ए बुक इन माय बैग. मेरे पॉकेट में एक कलम है. देयर इज ए पेन इन माय पॉकेट. ओके, सो इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है और आपको क्या है, जोर जोर से बोलना है. हाँ, अपने घर में जहां जाओ कुछ भी देखो, जैसे आप सड़क पे घूम रहे हो, जा रहे हो, देख लिए कि आपने कोई चीज को, तो ऐसे ही इंग्लिश को कनेक्ट करना पड़ेगा और आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ऐसा बात नहीं कि एक दिन में इंग्लिश सीख जाओगे. ठीक है, तो आपको इंग्लिश सीखने के लिए आपको क्या करना है, आपको कॉपी में कॉपी पेन ले लेना है. ऐसे नहीं कि कॉपी पेन के बिना आप नहीं मतलब कर सकते हो, कॉपी पेन लेना है आपको, लिखना है. जब तक लिखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला. अब लिखो बोलो तब तक करो जब तक आप सीखने जाते हो. ठीक है, तो आपको क्या करना है, 10 सेंटेंस ऐसे लिखना है हिंदी में, जैसे कि क्या चीज कहाँ है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में कि मेरे गांव में एक मंदिर है, तो ऐसे ही आप कुछ भी लिख सकते हो. आपके घर में स्कूटर है तो बोलो कि मेरे घर में स्कूटर है. राहुल के घर में टेलीविजन है, तो कुछ भी लिख सकते हो. कहाँ है, इन राहुल हाउस. ठीक है ना, तो ऐसे आपको कहाँ है उसको लास्ट में लिखना है, क्या है उसको यहाँ डालना है, बाकी देयर इज ये आपका कॉमन रहेगा. बहुत ही आसान है. मेरे घर में एक टेबल है. देयर इज अ टेबल इन माय होम. बहुत आसान. तो जितने भी सेंटेंस आते हैं वो क्या है कहाँ है, बहुत सारे सेंटेंस आते हैं, आपको इस तरह से सेंटेंस बनाने हैं. और आपको क्या करना है, कम से कम 5 सेंटेंस आपको इंग्लिश में आपको मेरे कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए. अगर आप नहीं लिख रहे हो तो हम समझेंगे कि आप नहीं सीख पा रहे हो. आपको लिखना है, कॉपी में लिखना है, जोर से बोलना है, बोलने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है. एंड कमेंट में ये जरूर लिख के बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, आगे का वीडियो बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं. अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप सीख पा रहे हो, तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे यहीं पे. ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि नेक्स्ट वीडियो बनाना है या नहीं बनाना है. क्योंकि डे 1 है, मैंने आपको बोला है कि 60 डेज में सिखाएंगे, तो ऐसा नहीं कि आज ही खत्म हो जाएगा, 60 डेज तक चलेगा प्रोग्राम. अगर ऐसा लगा कि और एक्सटेंड करना चाहिए तो हम एक्सटेंड करेंगे एंड आपको इंग्लिश सिखा के रहेंगे. सो आपको कहीं जाना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन को आपको ऑन कर लेना है, क्योंकि जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो आपको फटाक से आपको वीडियो मिल जाएगा. ओके, सो तब तक आप मेरे दोस्तों, आप तक मेरे चैनल पे बने रहिए एंड प्रैक्टिस करते रहिए इंग्लिश का, आपको हम इंग्लिश सिखाएंगे. ठीक है, तब तक के लिए बाय.